नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव एक पंचायतों से जुड़े हुए एक ऐसे भ्रष्टाचार की तरफ, जिसको लेकर हम लगातार आपके साथ में पिछले 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों के जुड़ते ही मैं आगे बढ़ूंगा और एक बड़ा मैं पर्दाफाश आज करूंगा एक ऐसी पंचायत का जहां पर सेक्रेटरी, प्रधान और इवन तक कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे जहां पर हमें बीडीओ के जवाब भी संतोषजनक नहीं लगे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जीवन उत्साह न्यूज द्वारा हमेशा पंचायतों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को लेकर ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जाता है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि पंचायतें हमारे संविधान का एक ऐसा स्तंभ है, अगर वहां पर करप्शन खत्म हो जाए तो हमारे संविधान की रक्षा की जा सकती है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ और लोगों को वेट करूंगा ताकि आप सब लोग जुड़ जाएं। और एक बड़ा मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और हालांकि हम ग्राउंड पे जाकर ये हमेशा प्रयास करते हैं कि ग्राउंड पे सामने चीजें लाई जाएं, लेकिन आज मैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपके टेलीफोन के माध्यम से लाऊंगा और जहां पर कॉल रिकॉर्ड करके अधिकारियों का, प्रधान का, सेक्रेटरी का हमारे बीच में लाया है। और हमारे एक इन्फॉर्मर हैं, हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने इसको शुरुआत की है, और ये मैं एक एविडेंस के रूप में आपके बीच में रखना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहें तो इस तरह से आप कार्य करके इस तरह के अधिकारियों, इस तरह के कर्मचारियों, इस तरह के प्रतिनिधियों के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप अभी समझ रहे हैं कि अभी जल्दी ही पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचायतों में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा तक पहुंच चुका है, और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। तो चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीवन उत्साह न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक जीवन उत्साह न्यूज को सपोर्ट करने के लिए स्टार का एक ऑप्शन आता है। ये स्टार रैंकिंग करने से आप एक तरफ से जीवन उत्साह न्यूज को कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तरफ से जीवन उत्साह न्यूज को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप नहीं भी करना चाहें तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी पंचायत जिस पंचायत में आज ये मुद्दा सामने आया, और ये पंचायत है गदराणा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा की। इस पंचायत में सरकारी सीमेंट के साथ में कुछ प्रयास किया जा रहा था। अब ये प्रयास कितना सही है, कितना गलत है, आज मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। और एक एक व्यक्ति का वर्जन, जिसमें प्रधान का, सेक्रेटरी का, वीडियो का, सभी का वर्जन मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो आप बने रहिए, आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कहाँ शुरू होती है, एक पंचायत में सीमेंट ट्रैक्टर के अंदर लोड करके किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है, जो कि किसी कार्य के लिए ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बातचीत हमारे साथ हुई है, हमारे इन्फॉर्मर के साथ हुई है, वो मैं आपके बीच में लाइव रखने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले कहां से बात शुरू हुई, और सबसे पहले बात करते हुए क्या हुआ। जैसे कि हम बात करते हैं कि पंचायतों में हो रही गड़बड़ियों का आखिर जिम्मेवार कौन है, ना सरकार इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है, ना प्रतिनिधि इसको लेकर बोलने के लिए तैयार हैं। एक आम आदमी पंचायतों के भ्रष्टाचार से इस तरह से परेशान है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहां सही है और कहां गलत है। शायद हमारे लिए बड़े दुख की बात है, हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वही प्रतिनिधि हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपकी बात शुरू कराऊंगा। सबसे पहले हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने सेक्रेटरी से जो बात की, मैं आपको जब इस लाइव के बाद हटूंगा तो एक वीडियो भी इसके बीच में आपको भेजूंगा अगले वीडियो में, जिसमें एविडेंस के साथ आपको भेजूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं यहां से, तो चलिए सुनते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये पंचायत में सीमेंट होता है, जी तो ये पंचायत प्रधान किसी ठेकेदार को मतलब उधारा दे सकता है इसको? पंचायत का सीमेंट तो नहीं उधार जाता जी, नहीं दे सकते। अच्छा,
तो ये एक पंचायत आपके यहाँ पे गदराना है ना, गदराना पंचायत से आज सीमेंट किसी ट्रैक्टर से मतलब दिया उस प्रधान ने, पूछा ये सीमेंट कहाँ गया, तो उनका ये जवाब था कि मैंने उधारा ठेकेदार को दिया, ठेकेदार का सीमेंट खत्म हो गया है तो वो मुझे वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर लें उनके साथ ना कि उधारा सीमेंट मतलब कि कैसे क्या। ठीक है, वो वीडियोज मेरे पास पड़ी, मैंने अभी तक वायरल नहीं करी, मैं करूंगा ये, पर पहले आप बात कर लें उनसे। ठीक है, ये जो आपने बात सुनी, मुझे उम्मीद है आपको आवाज ठीक आई होगी, ये जो आपने बात सुनी ये उस इन्फॉर्मर की कॉरेस्पॉन्डेंट की सेक्रेटरी से, पंचायत सेक्रेटरी से बात हुई, और ये पंचायत सेक्रेटरी ने बात की तो उन्होंने उन्हें बताया कि पंचायत का सीमेंट कभी किसी को उधार नहीं दिया जा सकता है। ये तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा की पंचायत है गदराना की, और ये गदराना पंचायत का इशू है। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, जहां पर इन्फॉर्मर को यहां पर एक कॉल। हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, अभी बात आपकी उनसे गदराना के जो प्रधान है। हाँ जी, हुई जी। जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला जी वो पीडब्ल्यूडी का काम लगा है, उनका सीमेंट जो था वो शॉर्ट हो गया और मैंने तब दिया है, अभी एक्चुअली ये देखो ना कि अगर कोई मौके पे जैसे पकड़ा जाता है वो ऐसे बहाने मार देगा, मतलब कैसे पकड़ा जाता है? नहीं मतलब ऐसे सीमेंट जो लेके आ रही है, अथॉराइज है, मतलब दे सकते हैं बताने से? मैं बोल तो रहा हूँ कि दे नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने उनका काम रुक गया था इसलिए दिया, और परसों आ जाएगा मैं ले लूंगा। मेरी प्रधान से बात हुई है और मैंने उनको ये भी बोला है कि गैर कानूनी काम जो है वो आपको नहीं करना चाहिए था, वो जहां मर्जी से सीमेंट मंगवाते। क्योंकि ये तो कुछ ऐसे हो गया ना कि अभी जैसे हमें पता चल गया तो ठीक है, हमें बता दिया कि परसों आ जाएगा, अगर कोई ना बोलता तो फिर उस पे क्या होता? फिर वो आता है, सेक्रेटरी से बात की है, सेक्रेटरी जो है वो जो भी मटेरियल आता है उसका कस्टोडियन है और बकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है हमारा पंचायत में, तो सेक्रेटरी ने भी ये बोला है कि जी मुझे पूछा है प्रधान जी ने तभी दिया सीमेंट, तो परसों आ जाएगा। सेक्रेटरी की आपको सेक्रेटरी ऐसे बोल रहे हैं? मेरी भी सेक्रेटरी से बात हुई है ना पहले, हाँ, तो मैंने रखा है मटेरियल, चलो मैं तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं यही देख रहा हूँ कि आप क्या कार्रवाई इस पे करते हैं। मतलब आपने मटेरियल रखा है पर आप तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप फोन पे बात कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लिया है और उन्होंने अपनी ये गलती स्वीकार कर ली है कि दिया हमने, मना नहीं कर रहे हैं, 15 बैग दिए लेकिन परसों हम वापिस ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आपने आपकी जो सोच है वो आप देख लो अपने स्तर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो बात हुई है, ये बात हुई है कॉरेस्पॉन्डेंट जो इन्फॉर्मर हैं उनकी वीडियो साहब से। अभी बहुत सारे लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ सीमेंट की बात हो रही है। सर आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट पंचायतों में आता है उसमें और नॉर्मल जो सीमेंट है उसमें कम से कम भी 100 रुपए पर बैग का डिफरेंस आता है। यानी जो सीमेंट है वो सारा का सारा डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है और उस सीमेंट को उस कार्य के लिए ही दिया जाता है जिस कार्य के लिए पंचायत सेक्रेटरी इशू करते हैं। किंतु यहां पर वीडियो साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है उस स्पष्टीकरण के चलते अभी मैं सारे वीडियो पूरी आने के बाद मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा कि किस तरह से पंचायतों में जो सीमेंट बच जाता है, जो कार्य में मान लीजिए 100 बोरी इशू की गई और वहां पर 70 बोरी लगी, तो 30 बोरी रिटर्न करनी चाहिए थी। जो 30 बोरी अगर रिटर्न नहीं करता कोई व्यक्ति तो 30 कहां जाती हैं? ये 30 कहां जाती हैं? यही सवाल पड़ा है। और ये 30 बोरी कौन ले जाता है, कहां ले जाता है या किस तरह से ले जाता है, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। अभी हम अगली बात पे आते हैं, जब प्रधान ने ये स्पष्टीकरण इस बात को लेकर दिया, अब मैं आपको उस स्पष्टीकरण को लेकर आ रहा हूं। मोंटी बोल रहा हूं। हां जी मोंटी बोल रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾ ਲਏ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾ ਰਹਾ। ਜੀ 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 ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ? ਹਾਂਜੀ
शिकायत की थी डॉलर सर, मैंने खुद देखा फिंगर में। अच्छा ठीक है जी, मैंने पंजाब भेजा काम के लिए भेजा, मैंने कोई बेटा थोड़ी है, कर लो इंक्वायरी आप। ठीक है जी, अगर किसी और को भी चाहिए हमें सभी को देते हैं आप ऐसे। दे रहा है उसने जेल को वापस भेजना है कल, उसने लाना अपना कैमरे को मेरे को वापस, उसको जरूरत थी उसने ले लिया, मैंने उसको दे दिया, मेरे को जरूरत पड़ गई मैंने ले लूंगा उसके। ठीक है ठीक, हाँ जी ठीक है। प्रधान जी ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि जी किसी को जरूरत थी जो मुझे 2 दिन में वापस दे देंगे, इसलिए मैंने उनको दे दिया है। तो मैं यहाँ पर वीडियो साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, सेक्रेटरी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, उन्हीं सभी अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ, जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से पब्लिक जानना चाहती है कि क्या इस तरह से एक प्रधान बिना सेक्रेटरी की कंसेंट के सीमेंट को पंचायत घर से निकालकर किसी को दे सकता है? शायद नहीं। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को इसके बारे में जानकारी हो। अब यहां पर सवाल ये आता है, सेक्रेटरी ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, शायद किसी कार्य के लिए ले जाया जा रहा है। तो इस बात को मैं थोड़ा आगे लेकर चलूंगा और ये सारे वीडियोस मैं आपके बीच में इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि इस बात को आप समझ सकें, मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं यहां पर। भाई नहीं करी मैं करूंगा ये, पर पहले आप बात कर लें हमसे। हेलो जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये पंचायत में सीमेंट होता है जी, तो ये पंचायत प्रधान किसी ठेकेदार को मतलब उधारा दे सकता है इसको? पंचायत का सीमेंट तो नहीं उधार जाता जी, नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये एक पंचायत आपके यहाँ पे गदराना है ना, गदराना पंचायत से आज सीमेंट किसी ट्रैक्टर से मतलब दिया, उस प्रधान ने को पूछा है कि ये सीमेंट कहाँ गया। अच्छा। तो उनका ये जवाब था कि मैंने उधारा ठेकेदार को दिया, ठेकेदार का सीमेंट खत्म हो गया है तो वो मुझे वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर लें उसके साथ ना कि उधारा सीमेंट मतलब कि कैसे क्या। ठीक है ठीक, ठीक है। वो वीडियोज मेरे पास पड़ी, मैंने अभी तक वायरल नहीं करी, मैं करूंगा ये, पर पहले आप बात कर लें उनसे। ठीक है ये साहब, आपने आप समझ गए होंगे सारी बात। अभी ये वीडियो साहब को कॉल किया था और वीडियो साहब ने यहाँ पर कहा कि किसी को भी सीमेंट ना तो उधार दे सकते हैं और ना ही किसी तरह से बिना सेक्रेटरी की कंसेंट के सीमेंट जा सकता है। फिर साहब ये सीमेंट गया कैसे? इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कल आपके बीच में इसका वीडियो आएगा। लेकिन अब अगली बात जो है वो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, जहां पर हमने बात की सेक्रेटरी से, क्योंकि प्रधान ने कॉल नहीं उठाया लेकिन मैंने पहले सेक्रेटरी से बात करी व्यक्तिगत रूप से, वो आपके बीच में पहले लेकर आ रहा हूं। हेलो हेलो वीडियो जी, वीडियो साहब नमस्कार सर, कैसे हैं आप? माफी चाहूंगा मैंने पहले वीडियो साहब की आपको बता दी, मैं पहले आपको सेक्रेटरी की बात सुनाना चाहूंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी राजीव जी बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब? हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं राजीव जी आप? ठीक है सर। अच्छा, रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ सर जीवन उत्साह न्यूज से। हाँ जी, मैं रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ जीवन उत्साह न्यूज से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सेक्रेटरी साहब ये बताइए, सीमेंट आपकी पंचायत से कौन देता है, कौन इशू करता है? पंचायत से तो फैक्ट्री करते हैं ना प्रधान को। अच्छा, तो आज कौन सा सीमेंट इशू किया आपने? आज तो नहीं किया सर कुछ भी। अच्छा हाँ जी हाँ जी, तो ये प्रधान जी के जो सीमेंट भेजा है इन्होंने आज, ये कहाँ भेजा है आपको जानकारी मिल गई इसकी? जानकारी फोन किया था किसी ने मेरे को ना आज। अच्छा, तो बोल रहा था वो पी रोडी का काम लगा हुआ है वहां पर ना, वहां पर गया। कौन बोल रहा था पता नहीं, कौन नाम नहीं बताया ना। अच्छा हाँ जी, फोन आया था मेरे को ना। नहीं, प्रधान जी ने सीमेंट कहाँ भेजा आज पता नहीं, वो पीरो डी वाला काम लगा हुआ ना वहां पर एक दराना में ही। अच्छा, तो कुछ बचा होगा ना काम का, तो उन्होंने उधारा ले गया, ले गया उनसे ना उधार। आपकी आपकी आपने आपकी कंसेंट थी, आपने परमिशन दी है उसमें? तो मैंने वो अभी बात की ना उनसे, मुझे फोन आया था ना किसी का ना, फिर मैंने पूछा उनको, थे उसके गलियों के काम लगे हुए थे ना। कहाँ पर? डडोली में लगा हुआ था, दो बाबड़ी थी। कौन से काम के लिए इशू किया आपने सीमेंट ये आज? हाँ आज तो नहीं किया मैंने, आज कहाँ किया। आपने कब इशू किया था प्रधान जी को?
जब काम लगे थे उसका बच गया होगा ना सीमेंट, बचा हुआ था थोड़ा थैले उसमें से। नहीं तो बचे हुए थे, वो बचे हुए आपके पास जमा नहीं कराए उन्होंने? नहीं मेरे पास नहीं निकलवाए ना जमा, वहां सीमेंट पंजारगढ़ में ही रहता है जब गाड़ी आती ना। मुझे पता है सर, मुझे पता है सर, मैं गांव का आदमी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, मुझे जी। पता है सर आपसे, मुझे पता है कि सीमेंट कहाँ बचता है कहाँ जमा होता है वो मुझे पता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज जो सीमेंट जा रहा है उसका अधिकार किसने दिया प्रधान को वहां से निकालने का, किस आधार पे निकाला जा रहा है आपकी पंचायत घर से सीमेंट आज? तो आज तो मैं कहीं गाँव गया था तो मैं नहीं गया था ना वहां पर। नहीं लेकिन आपको क्या वहां से चोरी हो रहा है क्या? नहीं चोरी तो नहीं हुआ, फिर चोरी तो नहीं हुआ वहां पे। तो फिर वहां से ट्रैक्टर में रख के कहां ले जाया जा रहा था और किसकी अनुमति से ले जाया जा रहा था? तो प्रधान को मैंने किया ना अभी फोन, अभी पूछा प्रधान से ना, बात हुई है मेरी। हाँ, अभी बात क्या बोला प्रधान जी ने? बोला को उसको दिया ठेकेदार को दिया उधारा, मैंने बोला कल को मेरे को सीमेंट आना चाहिए वापस। उधारा नहीं, क्विट क्विट। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने बोला को उधारा दिया है? हाँ हाँ बोल रहा था उसका, कहूंगा ना ठेकेदार को पास सीमेंट काम हो गया था, वो आया था ठेकेदार लेने के लिए ना। तो मुझे आप ये बताइए, मुझे आप ये बताइए क्या किसी को सीमेंट उधारा दिया जा सकता है पंचायत में से निकाल के? सर एक दूसरी जैसे दूसरी एक दूसरी पंचायत ले जाती है ना, वो तो ले जाते हैं एक दूसरे जैसे भी। क्यों ले जाता है सर? अभी आपका स्टॉक चेक, अभी आपका स्टॉक में से निकाल दिया उसने उसको, आपने उसको स्टॉक में तो नहीं निकाला उसमें तो। आपके स्टॉक में, आपके स्टॉक में जितना माल है उतना आपके गोदाम में है क्या? हाँ जी हाँ जी। नहीं जितना आपके स्टॉक में रजिस्टर में है क्या उतना ही गोदाम में अभी अवेलेबल आपके पास पड़ा हुआ है सीमेंट? नहीं नहीं वो तो काम पे दे दिया ना, काम पे प्रति इशू कर दिया हमने तो। ठीक सर मैं ये कह रहा हूँ आपने काम पे इशू कर दिया लेकिन है तो पंचायत घर में ही। हाँ हाँ पंचायत घर में ही। तो पंचायत घर में से आपने स्टॉक में से एक जी, पंचायत घर में आपने स्टॉक में से कम किया हुआ है क्या? उसमें से स्टॉक में से कम अभी नहीं, अभी इसकी एमबी होगी ना तभी कितना लगेगा उसमें से देखना पड़ेगा। एमबी हुई थी नाप दबाई करके थे ना जी, ठीक है ना। मतलब उसका सर उसकी मेजरमेंट होती है ना रास्ते की, सर रास्ते की मेजरमेंट की। हाँ। आपका सीमेंट से, आपका सीमेंट इशू करने से उसका क्या संपर्क है? संपर्क क्या है अभी, अभी क्या काम और का होने वाला है कि नहीं होने वाला, उसमें से फिर उसमें से वापस आता ना सीमेंट हमारे पास। सर आपके पास वापस आएगा वो तो आपके गोदाम में आ गया, लेकिन गोदाम से जब निकल रहा है सीमेंट तो किसकी कंसेंट से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है आपको पता है? मुझे नहीं पता था सर। तो फिर कैसे निकला? तो मुझे क्या पता सर, मैंने क्यों सर आपको ही पता होगा सीमेंट आपकी सेक्रेटरी आप हैं आपको ही पता होगा। सर मैं आज नहीं था ना, आज मैं कहीं गया था। तो किसकी अनुमति से निकाला गया वहां से सीमेंट सर? तो मुझे तो नहीं पूछा गया, पता नहीं पूछा मेरे को ना। तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए सर कि वहां पर आपकी अनुमति के बिना कैसे सीमेंट निकाला गया? चलो मैं पूछता हूँ करता बाद में। ठीक है सर। तो साहब ये देखिए, ये सेक्रेटरी साहब का वर्जन था जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने बातों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक घुमा दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सीमेंट आखिर गया कहाँ। दूसरी तरफ यहाँ पर अब मैं आपको वीडियो साहब का वर्जन सुनाऊंगा, जो कि वीडियो साहब ने क्या वर्जन दिया है, किस तरह से, हालांकि वीडियो साहब ने बीच में फोन काट दिया उसके बाद फोन उठाया नहीं, लेकिन यहां पर बात अभी ये आती है कि पंचायतों में एक आम आदमी जो भरोसा करके बैठा है, उस आम आदमी को जो भरोसा टूटने का जो इनाम मिल रहा है, उस इनाम का जिम्मेवार कौन है? ये सरकार या प्रशासन अधिकारी अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे और इस तरह की चीजें करते हुए जो सामने दिख रही हैं, अभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, एक एविडेंस प्रूफ आ गया सामने, तो ये बात सामने आ रही है, अन्यथा कौन पूछने वाला है कहां से सीमेंट जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन इसका हिसाब रखेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी आदमी लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए पहले आपको वीडियो साहब का भी वर्जन सुना देते हैं, वीडियो साहब क्या कहते हैं इसको लेकर। वीडियो साहब अभी एक पंचायत का इशू आया है मेरे पास, जहां पर सीमेंट जो है वो वहां से गोडाउन से चोरी छिपे निकाला जा रहा है बिना किसी काम के। आपके पास कोई कॉल भी आया होगा किसी व्यक्ति का, इन्फॉर्मर का? नहीं चोरी छिपे नहीं हुआ वो तो। अब बताइए किसने किसने बताया आपको? सर मेरे पास कोई कंप्लेंट आई है, मेरे मेरा मेरा आपने क्या नाम बताया अपना? रमेश शर्मा सर, जीवन उत्साह न्यूज।
अच्छा रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज। अच्छा अच्छा जी अच्छा 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 तो मैंने प्रधान और सेक्रेटरी से दोनों से बात की है, बोलते हमने बिल्कुल सीमेंट जो है उधार दिया है 15 बैग। कोई काम था पीडब्ल्यूडी का, वो काम रुक गया था और परसों का सीमेंट आएगा तो वो सीमेंट उनको दे देंगे, ऐसे बताया गया मेरे को। क्या ऐसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता जी, देखा जाए तो कैसे तो। हाँ जी सर, जब नहीं मैं सर ऑफिशियल वर्जन ले रहा हूँ आपका। बिल्कुल 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 जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं ऑफिशियल वर्जन आपका ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये तो। देखिए आपका जांच का विषय है कि ये सीमेंट आज नई बात नहीं है, पंचायतों में सीमेंट खुलेआम बिक रहा है, जो बस्ता सीमेंट खुलेआम बेच रहे हैं लोग, कोई शक नहीं है इसमें। ये बात वीडियो साहब ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में मिलाता रहा फोन, लेकिन वीडियो साहब ने फोन उठाया नहीं, आखिर क्यों? बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हैं। इस तरह के जो मामले आपके सामने आ रहे हैं इससे पंचायतों की कार्यशैली पे तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ में सवाल खड़े हो रहे हैं हमारी सरकार पर, प्रतिनिधियों पर, अधिकारियों पर और एक आम आदमी की ईमानदारी पर। साहब एक आम आदमी अपने दिन रात मेहनत का कमाई का पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है और ये पंचायतें यहां पर इस तरह का कार्य कर रही हैं, आखिर जिम्मेवार कौन है? जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर बार बार सवाल उठाता रहा है, बार बार सवाल उठाता रहा है कि पंचायतें आखिर अपनी ईमानदारी साबित क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्यों पंचायतों में करोड़ों रुपए आने के बाद में भी गांव में डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है? छोटे छोटे समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं, किसी का रास्ता नहीं बन रहा है, किसी की नाली नहीं बन रही है, किसी की समस्या खड़ी हुई है, लेकिन पैसा जो है वो खड्डों में लगाया जा रहा है, ऐसे नालों में लगाया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? बीडीओ साहब आपको यहां पर जवाब देना चाहिए, जिला कांगड़ा तहसील इंदौरा में आपको यहां पर जवाब देना चाहिए कि आपका स्पष्टीकरण यहां पर क्लियर क्यों नहीं है? क्यों आप एक अधिकारी होते हुए भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो लेना चाहिए? क्या किसी पॉलिटिकल शेल्टर व्यक्ति का सपोर्ट है? क्या प्रधान को या सेक्रेटरी को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर क्यों आपने डिसीजन नहीं लिया जब आपके पास ये कंप्लेंट आई? आपने क्यों इसको लेकर कड़ा एक्शन लेने की बात नहीं कही, बल्कि आप दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी का हवाला देकर सीमेंट को भेजने की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेक्रेटरी प्रधान आपको गोलमोल बात करके बता रहे हैं और आप उसको सही मान रहे हैं, आखिर क्यों? डीसी साहब कांगड़ा श्री राकेश प्रजापति जी, आपके पास इस मैटर को मैं लेकर चल रहा हूं, इसको लेकर क्या आप संज्ञान लेते हैं? क्यों प्रधान जो है वो सीमेंट के अंदर गड़बड़ियां कर रहे हैं? सेक्रेटरी क्यों इन मिली भगत के साथ में इन्वॉल्व हैं? ये जवाब आपको देना पड़ेगा, एक आम आदमी इस समस्या इसका जो जवाब है वो आपसे मांग रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारे प्रकरण के बीच में मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी बातें हुई हैं, पहले सेक्रेटरी से हुई है, प्रधान की हुई है इन्फॉर्मर से, उन बातों में और मेरे द्वारा की गई बात चार को लेकर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसा किसी का नहीं है, ये किसी के बाप का नहीं है, ये एक आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये किसी नेता का नहीं है, किसी अधिकारी का नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत की कमाई से इन नेताओं को, इन अधिकारियों को सैलरी जाती है। फिर हमारे पैसे का क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों हमसे धोखा किया जा रहा है? अब हो सकता है कि इसको लेकर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आए, बहुत सारे लोगों को जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके ऊपर प्रश्न आए, हो सकता है हमारे ऊपर भी प्रश्न आए, लेकिन साहब हम बताना चाहेंगे हमारे ऊपर किसी भी प्रश्न को लेकर आ जाइए, हम एक ही जवाब आपको पूछना चाहेंगे कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है और क्यों इस भ्रष्टाचार को लेकर आप लगाम नहीं लगा रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे ये जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इतने सारे मुद्दे पंचायतों के भ्रष्टाचार के एक आम आदमी भी उठा के ला रहा है, एक आम आदमी अपनी आवाज बता रहा है, लेकिन आज तक आपने पंचायतों को लेकर
किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आखिर क्यों पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं सभी व्यूवर्स को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इस तरह की गड़बड़ियां कहीं पंचायतों में देख रहे हैं तो आप हमें सीधा भेजिए। आप किसी भी अधिकारी के साथ बात करते हैं, किसी भी आदमी के साथ बात करते हैं, आप उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिस तरह से लोगों के पैसे की बर्बादी की जा रही है, जिस तरह से पंचायतों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी हमारे गांव वहीं के वहीं खड़े हैं, इससे तो एक ही बात साबित होती है कि हमें कहीं ना कहीं एक तरफ से बेवकूफ बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। आप सब लोग मेरे साथ बने इसी तरह से। मैं अब प्रयास करूंगा रोज आपको एक नए मुद्दे के साथ में रात को 9 बजे लाइव आया करूंगा और हर एक मुद्दे को लेकर हम खुल के डिस्कशन किया करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस इन्फॉर्मर, इस व्यक्ति को जिन्होंने इस मुद्दे को हमारे सामने लाकर रखा है। आप भी ला सकते हैं। किसी ने कमेंट कहा है, बीरेंद्र कंवर जी को कहें सर जी। सर, मैं बीरेंद्र कंवर जी को बार बार कह चुका हूं, बीरेंद्र कंवर जी आपकी जिम्मेवारियां ज्यादा बनती हैं। आपके आसपास के क्षेत्रों में जीवन उत्साह न्यूज द्वारा कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे पंचायतों में दिखाए गए हैं। वीरेंद्र कंवर जी, आपसे बहुत सारी उम्मीदें दुनिया को हैं, इस समाज को हैं। आखिर कब आप डिसीजन लेंगे कि पंचायतों में किसी भी प्रधान, किसी भी सेक्रेटरी के ऊपर किसी भी तरह का अगर आरोप लगता है तो उसको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड नहीं, क्योंकि सस्पेंड होते हैं तो कोर्ट में जाकर स्टे लेकर आ जाते हैं, टर्मिनेट किया जाए, उनके साथ रिकवरी की जाए। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि पंचायतों का ऑडिट कराया जाए। जितनी पंचायतों के अंदर गड़बड़ियां की जा रही हैं, जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, उन सारे कार्यों को जनता के बीच में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये घोटाले हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, और नए मुद्दों के साथ आपके बीच में मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस खबर को। थैंक यू।